आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की कश्यप के साथ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हॉन्टेड हाउस यानी कि भूतहा घर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ मेरे ईमेल पर ज़रूर शेयर करें, मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज की हमारी कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी है एक चोर की। तो आइए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तौफिक एक चोर है और वह एक रात हैदराबाद के पोष इलाके में चोरी करने के इरादे से 12 बजे के बाद घर से निकला। करीब 1 बजे के आसपास उसने एक घर पसंद किया जिस घर पर उसकी काफ़ी समय से नज़र थी। ज़्यादातर उस घर से उसे कोई आता जाता कभी दिखा नहीं, तो उसने सोचा कि ये कोई NRI का बंगलो हो तो माल भी अच्छा ही मिलेगा। तौफिक यह सोच करके उस बंगलो की दीवार कूद के बंगलो में जैसे ही एंटर हुआ उसे कुछ अजीब एहसास हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसे बंगलो में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला लिया। जब तौफिक अंदर बंगलो में घुसा तो उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई है, तो थोड़ी देर वह बाहर ही छिप गया ताकि उसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। लेकिन थोड़ी देर बाद भी कोई चहल पहल ना होने से उसने सोचा कि शायद अब सब सो गए होंगे। तब वह वापस निकला और तभी उसने अंधेरे में देखा कि एक लड़की घर के अंदर की तरफ जा रही है। उसे देखकर तौफिक ने सोचा कि इतने अंधेरे में ये लड़की बिना लाइट के कैसे जा रही है। तभी तौफिक ने देखा कि बंगलों के मेन एंट्रेंस से 8 चमकती आंखें उसे देख रही हैं और उसके करीब आ रही हैं। तभी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से तौफिक बाहर की जगह बंगलों के अंदर अपने जान बचाकर भागा और उसने देखा कि बंगलों का मेन डोर तो खुला ही था और वह खुश होकर तुरंत अंदर घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। और खुश होकर के जैसे ही मुड़ा उसने देखा कि वही लड़की तौफिक के करीब ही खड़ी थी। उसे देखकर वह भी डर गया और तभी वह लड़की अचानक से डरी हो उस तरह से भागने लगी और ऊपर की मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगी। तब तौफिक को लगा कि शायद बंगलों में यही एक लड़की है, इसीलिए मुझे देखकर भाग रही है। ऐसा सोचकर वह खुश हो गया कि एक बच्ची उसका क्या बिगाड़ लेगी और आज उसे अच्छा माल घर ले जाने को मिलेगा। और वह भी उसके पीछे दौड़ा और अपनी टॉर्च चालू करने की कोशिश की, मगर टॉर्च चालू नहीं हुई। तब लाइटर जलाकर वह आगे बढ़ने लगा। वह लड़की उसे देखकर एक कमरे में घुस गई तो तौफिक भी उसकी तरफ भागा और कमरे के करीब पहुंचते ही वह स्लिप हो गया और कमरे में अंदर किसी चीज़ से ज़ोर से टकराया। उसे काफ़ी चोट लगी थी। फिर उसने कमरे में देखने के लिए टॉर्च जलाई कि वह लड़की कहाँ छुपी है। तब टॉर्च चालू हुई और तुरंत डर के मारे वह इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके सामने 3 औरतों की लाशें पड़ी थी जिसमें वह छोटी बच्ची भी शामिल थी और तीनों के सर कटे हुए थे। यह नज़ारा इतना डरावना था कि तौफिक डर के मारे कांपने लगा और हिम्मत करके वहां से भागा। अंधेरे में गिरते पड़ते वह कैसे भी लंगड़ाते हुए बंगलों से बाहर निकल गया और उसने बाहर जाकर चेक किया तो उसका मोबाइल फ़ोन वह बंगले में ही गिरा आया था और वापस उसे लेने जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने सोचा कि आज नहीं तो कल पुलिस ज़रूर आएगी यहाँ पर और उसका मोबाइल मिलने पर उसी को कातिल मानेगी। यह सोचकर उसने पुलिस को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। पुलिस के आने पर वह पुलिस के साथ बंगलों में जाने को भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके कहने के मुताबिक ही सारी बातें सच हुई और उसका मोबाइल भी वहीं मिला। पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लेकर उसे छोड़ दिया और वह आज चोरी का धंधा छोड़ के एक छोटा गैराज चलाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।